तृतीय अध्याय भैरवी माता से भेंट। जगत के कल्याण साधन के लिए युग युग में जितने भी महापुरुष अवतीर्ण हुए हैं उन सब ने समान रूप से त्याग एवं वैराग्य का पथ प्रदर्शित किया है। त्याग और वैराग्य के बिना जीवन गठित नहीं होता, साधन संपत्ति प्राप्त नहीं होती और नित्य धर्म के अनुष्ठान का सामर्थ्य उत्पन्न नहीं होता। विषय वासना में बंधा हुआ भोग जीव त्याग की महिमा कैसे समझ सकता है? अमृतत्व प्राप्त करने के लिए वास्तव में ही यह एकमात्र सोपान है। एक दिन की यह बात मनुष्य को समझ में आती है और समझ में आते ही अनित्य की सेवा त्याग देता है तथा नित्य का आश्रय ग्रहण कर देता है। बुद्ध, ईसा, मोहम्मद, किसी महापुरुष का जीवन चरित्र देखिए तो सब में उपयुक्त एक ही बात मिलेगी। त्यागी के इस सनातन पथ पर आज एक नवयुवक उसी लक्ष्य के साथ बुद्ध और चैतन्य देव जैसा अनंत की ओर महानिष्क्रमण क्रिया करने के लिए उद्यत हुआ है। आज उसके हृदय में जिस अलौकिक भाव से उदय हुआ है उसको शायद संसारी जीव समझ ना सके। जन्म जन्मांतर की कठोर तपस्या के फल से कितने कितने सत्संगों के महात्म्य से भगवान की कृपा से आज युवक के हृदय में एक निर्वचनीय उच्छ्वास का उदय हुआ है। पागल कुत्ते को काटना एकमात्र निमित्त था। वी माता के तिरस्कार को निमित्त बनाकर एक दिन ध्रुव अनंत पुरुष की खोज में घर से बाहर निकल पड़ा था। युवक भोलानाथ की भी यही दशा थी। स्नेहपूर्ण आत्मीय स्वजन, स्नेहमयी वात्सल्य लक्षणी जननी, चिर परिचित गृह परिवार, समत सत्संगी साथी, सांसारिक आशा और आकांक्षा, इन सबको त्याग करके आज वह अपरिचित अज्ञात पुरुष के साथ उससे भी अधिक अज्ञात तथा अपरिचित किसी पदार्थ की खोज में किसी अनजान स्थान के जाने के लिए उद्यत हुआ है। भोलानाथ के मन की परीक्षा लेने के लिए महापुरुष ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ दुर्गम स्थान में जाने के लिए साहस करते हो? क्यों कर, तुम अब भी बालक हो, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। यदि चलने की उत्कट इच्छा है तो संध्या के बाद हमारे पास आ जाना, हम तुम दोनों अपने साथ ले चलेंगे। सन्यासी आश्वासन पूर्ण वाणी सुनकर भोलानाथ के हर्ष का कोई पारावार न रहा। ठीक समय पर वह अपने साथी के समेत निर्दिष्ट स्थान पर सन्यासी के सामने हाजिर हो गया। सन्यासी ने उन दोनों की आंख पर पट्टी बांध दी और उनके पीछे साथ लेकर वे आगे बढ़े। अंधेर जगन से होकर सन्यासी धीरे धीरे चलने लगे। दोनों युवक उनका हाथ पकड़ के उनके पीछे चल रहे थे। किन किन स्थानों को पार करते हुए किस मार्ग से किधर जा रहे हैं, इसका तो न भोलानाथ को भान था न हरिपद को। ऐसा मालूम पड़ता था कि मानो किसी कोमल सुख स्पर्श बिछौने के ऊपर होकर वे आगे बढ़ रहे हैं। यद्यपि वे लोग साधारण गति से ही चल जा रहे थे, तथापि स्पष्ट ऐसा जान पड़ता था मानो किसी अनैसर्गिक शक्ति के आकर्षण से वह आकाश मार्ग से जा रहे हो। पानी की लहरों को चीरते हुए जैसे कि जलचर प्राणी अथवा तो नाव चलती है, वायुमंडल में कंपन उत्पन्न करके प्रतिस्तर वायु की लहरें को भेद करके जैसे वायुयान अथवा तो व्योमिकचारी पक्षी स्वच्छंद विचरण करते, इसी प्रकार से वे भी चल रहे थे। यद्यपि प्रतीत होता था कि वे दोनों पैदल ही चल रहे थे, तथापि थोड़ी देर के बाद वे समझ गए कि यह चलना मामूली चलना नहीं है। समस्त रात्रि इस प्रकार पार होने पर जब सवेरा हुआ तब महापुरुष ने दोनों नेत्रों से पट्टी खोल डाली, चारों ओर देखा, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। देखते क्या है कि पर्वत श्रेणी के समीप एक देवालय है, उस बगल में खड़े थे। मंदिर के भीतर अष्ट पूजा देवी की मूर्ति थी। वहाँ एक भी बंगाली को आसपास न देखकर उनका अनुमान हुआ वे किसी दूर देश में आ पहुंचे हैं। पूछने पर मालूम हुआ कि उस स्थान का नाम था विंध्याचल और मंदिर में विराजमान देवी स्वयं विंध्यवासिनी है। एक रात्रि में ही नदी और पर्वतमालाओं को लांग करने पैदल इतने दूर कहाँ आ गए, इनको समझ नहीं आया। उन दोनों को अष्टभुजा मंदिर के पास एक सुरक्षित स्थान में छोड़कर सन्यासी जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय यह कहा कि तुम लोग यहाँ कोई भय मत करना, हम कुछ दिन के बाद वापस आकर तुमको ठीक स्थान पे ले चलेंगे। सन्यासी जी के अंतर्ध्यान होने पर भोलानाथ और हरिपद कुछ चिंतित होने लगे। उन लोगों ने पहले भी किसी दूर देश में यात्रा नहीं की थी, अतः इस प्रकार जंगली जानवर से भरे हुए भयानक निर्जन प्रदेश में अपने को अकेला उपस्थित होकर कुछ समय के लिए भयभीत हो गए। बंग भाषा के सिवा और कोई दूसरी भाषा वे लोग नहीं जानते थे। फिर वैसे व्यजन स्थान में आ खड़े थे जहाँ पर बंगला भाषा बोलने वाला किसी व्यक्ति से भेंट होने की संभावना न थी। कभी कोई एक दो जन वहाँ देवी दर्शनार्थ आए तो वे थे हिंदी भाषी।
उन लोगों की बोली न समझना उनके उभयंग साथी के लिए समस्या लगने लगी। इस पर अति समीप चारों ओर निवड़ वन भूमि निहार पर हिंसक जंतुओं की आकांक्षा से मन में कुछ भय सा सताने लगा। जो कुछ भी हो, इस प्रकार दुश्चिंता में पड़े पड़े कई घंटे बीत चुके थे। तब देखा कि श्याम वर्ण ब्यामन व्यक्ति उन दोनों के लिए भोजन सामग्री लेकर उनके पास उपस्थित है। वह व्यक्ति कौन है, कहां से आया है, किसने आज्ञा कर भेजा, यह कुछ भी वे लोग न समझ सके। खाद्य वस्तुओं उन दोनों के सामने रखकर ब्राह्मण तुरंत ही चला गया। उसके बाद दोनों खूब तृप्त होकर भोजन किया और वहीं विश्राम करने लगे। संध्या समय वही ब्राह्मण फिर तो आया और उन्हें खाने की चीज देकर चला गया। सन्यासी के अंतर्ध्यान होने पर बालक को लगा कि वह सत्संगी महात्मा संध्या समय जरूर पुनः लौटेंगे, परंतु सायंकाल बीत गया तब भी वे नहीं पधारे। जब ऐसा देखा, स्वभावतः उनका मन कुछ उद्विग्न हो उठा। अपरिचित देश, निर्जन पर्वत शिखर, खुला आकाश और हिंसक जंतुओं से भरा भीषण अरण्य, ऐसे स्थान में किस भांति समय व्यतीत करेंगे, इस सोच में वह व्याकुल हो गए और एक साका के साथ अपने शरीर को कस कर बांध लिया। उनके साथी ने भी देखी देखी में ऐसा कर लिया। इस प्रकार बड़ी दुश्चिंता में बहुत कष्ट के साथ दोनों ज्योत्यों रात बिताई। जब प्रभात हुआ तो वृक्ष के नीचे उतरकर पूर्वतः अष्ट पूजा देवी के मंदिर में गए। दिन को वहीं पर निवास किया। उस दिन भी सांवले रंग का ब्राह्मण पहले दिन जैसे ठीक समय पर हाजिर हुआ एवं भोजन देकर चला गया। दोनों ने खाया, परंतु उस दिन जब संध्या काल में बाघ की गर्जना सुनाई पड़ी तो वे अत्यंत भयभीत होकर उठ गए। भोलेनाथ तो अपनी माँ की गोद से कभी अलग नहीं हुए थे। आज इस प्रकार प्राय देश में विजातीय भूमि में अपने को नितांत निराश्रय पाकर वे अत्यंत कातर हो गए। आंसुओं की धारा बहने लगी, वक्ष स्थल प्लावित हो गया। रह रहकर घर की सुख स्मृति मन में जागने लगी। युवक के चित्त में निश्चय ही ऐसा लगा मानो मृत्यु आसपास घूम रही है। उसके पंजे से छूटने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था। भय से ग्रस्त, चिंता से त्रस्त, किसी तरह कुछ समय और बीता और अपने बचावनार की आतुर परीक्षा में पश्चिम आकाश में सुंदर नजर पहुंची तो क्या दृश्य देख रहे हैं, वे मानो एक ज्योतिर्मय गोलक आकाश मार्ग से उनकी ओर धीरे धीरे निकट चला आ रहा है। नवोदित सूर्य, पूर्ण चंद्र और अखंड मंडलाकार प्रकट होकर लोगों को आकाश में दिखाई देता है, उसी प्रकार का ज्योतिर्मय मंडल उनकी दृष्टि के सामने आ गया। जैसे जैसे वह समीप पहुंचने लगे, वैसे वैसे उसके आकार की विशेषता स्पष्ट दिखाई देने लगी। दोनों ये नवयुवकों ने जब यह अपूर्व दृश्य देखा तो एक बार विस्मित होकर स्तब्धित हो गए। जब वह और निकट आ गए तो देखने से भी स्पष्ट मालूम हुआ कि दूर से जो ज्योतिर्मंडल भासता है वह वस्तुतः ज्योतिर्मंडल नहीं है, बल्कि वह तो मनुष्य की मूर्ति है तथा जो प्रकाश उसे घेरे हुए है वो प्रभा मंडल है। मूर्ति आकाश के मार्ग से नीचे उतरती दोनों युवकों को आशीर्वाद दिया। मूर्ति के मस्तक पर जटाजूट था, हाथ में त्रिशूल, ललाट में रक्त चंदन की बिंदी, गले में रुद्राक्ष की माला थी, मुख पर स्निग्ध करुणापूर्व हास्य रेखा शोभावाएं थी। वह एक सिद्ध भैरवी की मूर्ति थी। भैरवी माता ने दयाद्री स्वर से भोलेनाथ को पुकारा तथा बंगला भाषा में कहा, वत्स, तुम इतना क्यों रोते हो? तुम्हारा रोना देखकर मैं स्थिर नहीं रह सकी, अतः तुम्हारे पास मुझे दौड़कर आना पड़ा। इस प्रकार कहकर उसे अपनी गोद में उठा लिया और अपने माता की वात्सल्यता से प्यार से समस्त शरीर में अपना सुख स्पर्श किया। भोलेनाथ ने सहज भाव से पूछा, माँ, आप कौन है और आपका निवास कौन से स्थान पर है? यहाँ मेरे रोने से आपको कैसे पता चल गया और आप तुरंत यहाँ कैसे पहुँचे? यह सब देखकर मुझे आश्चर्य लगा कि मैं आवाक हो गया हूँ। भैरवी माता ने उत्तर दिया, बेटा भोलानाथ, तुम अभी प्रकृति के रहस्य का भेद नहीं जानते। मैं कौन हूँ इसका परिचय अभी तुम्हें न दूंगी, आगे समय होने पर तुम मुझे जान पाओगे। तब भी इतना ध्यान में रखो कि मैं तुम्हारी जननी के तुल्य हूँ, मेरी संतान के शुद्ध हो। मैं चाहे कहीं भी रहूं, तुम्हारे पास में ही रहोगे। तुम तो नित्य निरंतर मेरी नजर के सामने दिखते हो, तो तुम्हें किस बात का भय है? जो तुमको अपने साथ यहाँ पर लाए है वो एक संप्रदाय के ऋषि है और वे महापुरुष समय होने पर तुमको स्वयं दर्शन देंगे। आज से तुमको किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा।
फिर भी यदि तुम व्याकुल होगे तो मैं तुम्हारे पास तुरंत आ जाऊंगी। मेरे पास तुम्हें संवाद भेजना ना पड़ेगा। मेरा स्मरण करते ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी और तुम मेरा दर्शन पाओगे। बस अब मैं जाती हूँ। यह कहकर भैरवी माता क्षण मात्र में अंतर्ध्यान हो गई। बाद में पता चला कि भैरवी माता का नाम उमा भैरवी है। विंध्याचल में 5-6 दिन व्यतीत होने पर दोनों युवकों के सामने ये महापुरुष फिर आकर उपस्थित हो गए। इस बार जानने में आया कि उनका नाम परमहंस निमानंद स्वामी। उन्होंने इस बार दोनों आँखों के पहले पट्टी बांध दी और उनको आगे ले गए। विंध्याचल से प्राय 16 मील दूर एक आश्रम था। वहाँ पर कोई एक साधु महात्मा इकट्ठा हुए थे। महापुरुष उसी स्थान में जाकर हाजिर हुए। भोलानाथ तथा हरिपद को उसी जगह छोड़कर महापुरुष चले गए। उस समय वहाँ पर एक गुफा के अंदर श्याम भैरवी माता निवास कर रही थी। दोनों युवक एक दिन मात्र वहाँ ठहरे। भैरवी माता ने दोनों को खूब खातिर की एवं भोजन का प्रबंध किया। कुछ समय पश्चात महापुरुष पुनः आ गए और उन्हें लेकर आगे बढ़े। वे लोग संध्या के समय के बाद रवाना हुए। सवेरा जब आंखों से पट्टी खोली तो देखा वे अपूर्व स्थान में आ पहुंचे थे। पूछने पर पता चला कि वह उत्तर पथ के मध्य एक प्रसिद्ध तथा दुर्गम योगाश्रम है।